फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रिपिंग फेल्योर इन एसआईवी लोको। एसआईवी लोको में अगर आपका ट्रिपिंग फेल्योर आ रहा है तो उसका ट्रबल शूटिंग एंड समाधान कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोगों को रनिंग गाड़ी में अगर ट्रिपिंग फेल्योर आया तो फर्स्ट प्रिपरेशन जरूरी है। जैसे आदमी किसी भी काम को करने के लिए रेडी होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है, वैसे ही लोगों को फिर से एनर्जाइज करना और काम करने के लिए प्रिपरेशन भी जरूरी होता है। तो प्रिपरेशन में करेंगे क्या, सो आइए देखते हैं। फर्स्ट एमपी को जीरो में रखेंगे। एमपी को जीरो में रखने का मतलब है कि जीआर को जीरो में लाना है, जेडपीटी को वन और टू पोजीशन होना इंश्योर करेंगे। वन और टू पोजीशन होने के साथ ही साइड से देख लेंगे कि मेरा पेंट्रो रेज कंडीशन में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे। नेक्स्ट जीआर को जीरो में होना सुनिश्चित कर लेंगे एलएसजीआर लैंप को देख करके। नेक्स्ट नेक्स्ट है टॉप बीएल बीएल रो स्विच जो है उसको सभी को ओपन कर देंगे। एमआर प्रेशर चेक करेंगे कि 8 kg या 6.5 kg आरएस प्रेशर है कि नहीं। अगर कम है तो उसको उसको जेडसीपीए के द्वारा बढ़ाएंगे। उसके बाद बीए वोल्टेज को देखेंगे कि 90 अबव होना चाहिए। 90 अबव से कम है तो उसका बैटरी का ट्रबल शूटिंग करेंगे। नेक्स्ट है ऑल ईएम कंटेक्टर फुल्ली ओपन होना चाहिए। अगर कोई ईएम कंटेक्टर वेल्ड है तो उसे ओपन करेंगे। ऑल सेफ्टी रिले नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसे ट्रबल शूटिंग करेंगे। इससे हमारा 70-50% हमारा ट्रबल शूटिंग हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो अब नॉर्मल साइन पिकअप करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब नॉर्मल साइन कैसे पिकअप करेंगे। क्लोज बीएल डीजे, प्रेस बीएल आर डीजे, क्लोज बीएल डीजे, प्रेस बीएल आर डीजे। इसके साथ इंश्योर करेंगे कि एलएचडीजे इंस्टीट्यूट होना चाहिए और यूए मीटर नीडल डिविएट होना चाहिए। रिलीज बी एल आर डी जे आफ्टर 6 to 10 सेकेंड। एक्जुलरी साउंड हर्ट, एक्जुलरी साउंड से साउंड आएगा और एल एस सी एच बी एस्टिगोस हो जाएगा। इसके बाद हम वेट करेंगे 15 सेकेंड। उसके बाद भी डीजे ट्रिप नहीं हुआ तो बी एल सी पी और बी एल वी एम टी को डालेंगे। बी एल वी एम टी के बाद वेट करेंगे 30 सेकेंड। एल एस सी एच बी ए ग्लो एंड एस्टिगुश आफ्टर 10 सेकेंड। टेक फर्स्ट नॉच, वेट फॉर फ्यू सेकेंड, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे नॉच लेकर के 6 नॉच लेकर के 15 सेकेंड वेट करेंगे। इसके बाद भी डीजे ट्रिप नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर कहीं भी डीजे ट्रिप होता है तो उसके अनुसार ट्रबल शूटिंग करेंगे, क्योंकि कब कौन सा ट्रबल आ रहा है वो उसको पहचानेंगे, वो पहचानने का तरीका देखेंगे। ट्रिपिंग फेल्योर पकड़ने के लिए सबसे ही आसान तरीका है कि डीजे को क्लोज करेंगे। डीजे क्लोज कर रहे हैं तो एल एच डीजे लैंप नहीं जल रहा है, इसका मतलब है नहीं बुझ रहा है, इसका मतलब है कि आईसी डीजे प्रॉब्लम है। आईसी डीजे का रीजन हो सकता है बैटरी वोल्टेज कम हो सकता है, एमआर प्रेशर कम हो सकता है, या डीजे कंट्रोल सर्किट का कोई ब्रांच का एनर्जाइज नहीं होना, या वीसीबी का प्रेशर कम हो सकता है, या क्यूएसआईटी एनर्जाइज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ट्रिपिंग फेल्योर है नो टेंशन। नो टेंशन में डीजे क्लोज करेंगे तो एलएचडीजे लैंप पुश जाता है, यूए मीटर नीडल डिविएट नहीं होता है और ऑक्सिलरी का साउंड नहीं आता है। इसका कारण हो सकता है एक्सीडेंट या ड्रेलमेंट या फीडिंग पावर सर्किट का कट हो सकता है, या कोई मेरे लोको रूफ पे कंडक्ट
मटेरियल्स का टच हो जाना हो सकता। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन ए बिगनिंग। ए बिगनिंग में क्या है, डीजे को क्लोज करते हैं तो एलएच डीजे लैंप बुझता है और फिर जल जाता है, यानी कि फ्लिकरिंग होता है। फ्लिकरिंग होने का मतलब है कि ए बिगनिंग ट्रबल शूटिंग, ए बिगनिंग प्रॉब्लम है उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे। इसका रीजन हो सकता है क्यू पी डी जे या क्यू एस आई टी रिले डिफेक्टिव हो सकता है या क्यू एल एम का एनर्जाइज हो सकता है। नेक्स्ट मेरा ऑपरेशन है ऑपरेशन ए एंडिंग। ए एंडिंग में क्या है, डीजे को क्लोज करने से एल एस डी जे लैम्प बुझ जाता है, यूओमीटर नीडल भी डिविएट होगा, इसमें ऑक्सिलरी साउंड नहीं आता है और सी एच बी ए हमेशा कंटिन्यू जलते रहता है। इसका कारण हो सकता है, कारण होता है एस आई वी नॉट पिकिंग अप। नेक्स्ट मेरा ऑपरेशन है ऑपरेशन बी पार्ट वन। ऑपरेशन बी पार्ट वन में क्या है, डीजे क्लोज करने से एल एस बी एल आर डीजे को छोड़ते ही 15 सेकेंड के अंदर एल एस डीजे लैम्प फिर से जल जाता है। इसका कारण होता है एम बी एस एल वन एंड एम बी एस एल टू डिफेक्टिव हो सकता है या इसका रिले क्यू वी एस एल वन एंड क्यू वी एस एल टू डिफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट एम पी एच मोटर डिफेक्टिव हो सकता है और उसका रिले क्यू पी एच डिफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन बी पार्ट टू या ऑपरेशन ए एंडिंग पार्ट टू। डीजे क्लोज करेंगे तो डीजे क्लोज होने के बाद बी एल आर डीजे छोड़ते ही तुरंत डीजे ट्रिप हो जाएगा। इसका कारण होता है Q30 रिले डिफेक्टिव या डीजे का इंटरलॉक डिफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन ओ। डीजे को क्लोज करने के बाद 15 सेकेंड बाद BLVMT एंड BLCP को डालते हैं, उसके बाद 30 सेकेंड वेट करते हैं, डीजे ट्रिप हो जाता है तो ऑपरेशन ओ होगा। ऑपरेशन ओ का कारण है MVRH मोटर डिफेक्टिव हो सकता है या उसका रिले QVRH डिफेक्टिव हो सकता है या MVMT1 एंड MVMT2 डिफेक्टिव हो सकता है या उसका रिले QVMT1 एंड QVMT2 डिफेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन वन। ऑपरेशन वन में क्या है, डीजे को क्लोज करने के बाद फर्स्ट नॉच लेते ही फ्यू सेकेंड के अंदर डीजे ट्रिप हो जाता है। इसका रीजन होता है MVSL1 एंड MVSL2 का डिफेक्टिव होना या स्लोगोई सप्रेशन ऑफ जीआर का बराबर नहीं घूमना, ऑपरेट होना। नेक्स्ट ऑपरेशन टू। ऑपरेशन टू में क्या है, डीजे को क्लोज करके BLCP और BLVMT को डालते हैं, BLVMT डालने के 30 सेकेंड बाद नॉच लेंगे, 6 नॉच लेने के 15 सेकेंड वेट करेंगे तो डीजे ट्रिप हो जाएगा। इसका कारण है C107, 106 और C105 कंटेक्टर का क्लोज नहीं होना या कोई एक कंटेक्टर क्लोज नहीं हो रहा है या कंटेक्टर क्लोज हो रहा है लेकिन उसका इंटरलॉक डिफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है DJTWAC। ऊपर के सभी कारणों से अलग होना DJTWAC के अंतर्गत आता है। इसका रीजन हो सकता है पेंटो का बराबर टच नहीं होना या BLDJ का स्विच में खराबी हो सकता है या ZPT इंटरलॉक डिफेक्टिव हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।